सेकंड बॉडी बी है, दोनों चार्ज बॉडी हैं। कूलाम्स लॉ को समझ रहे हैं, दोनों चार्ज बॉडी हैं, एक बॉडी ए है दूसरी बॉडी बी है। आ रही बात समझ में? अगर हम इनकी बीच की डिस्टेंस को डबल कर दें, बीच की डिस्टेंस को डबल, अभी इतनी डिस्टेंस है, व्हाट सो एवर डिस्टेंस इट इज, इफ इट डबलिंग द डिस्टेंस फोर्स बिकम वन फोर्थ, फोर्स बिकम वन फोर्थ। एंड इफ वी हाफ द डिस्टेंस, इनकी डिस्टेंस को और कम कर दें, हाफ आधा कर दें, फोर्स विल बिकम 4 टाइम, फोर्स विल बिकम 4 टाइम। फॉर्मूला इज एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर और एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। आर यू अंडरस्टैंड बेटा? यू शुड टेक अ नोट, इसका नोट बनाओ, कॉपी में लिख लो, उतार लो, और मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ। इरेज करूँ? पॉज करके जल्दी से आप इसको नोट कर लो, पॉज कर लो बेटा। ये क्लासरूम तो है नहीं कि मिट जाएगा और फिर कहाँ से लिखेंगे, ऐसा तो है नहीं। पॉज कर लो, आप लिखते रहना घर में, है ना। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। अब बोर्ड आपका इरेज हो चुका है। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? वैद्युत। इलेक्ट्रिकल माने वैद्युत, एनर्जी माने ऊर्जा। वैद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए किए गए कार्य को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। वैद्युत परिपथ का मतलब है इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम करंट को प्रवाहित करना चाहें, करंट को फ्लो करवाना चाहें, करंट फ्लो कराने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा उसको ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। माना कोई सर्किट है, सपोज ये सर्किट है, सपोज ये कोई सर्किट है, इसमें आपका बत्ती लगी है, आप है ना, अभी जैसे ऐसे ही समझो, हल्का फुल्का लगी है, इसमें हम करंट को फ्लो करना चाहते हैं। करंट को फ्लो कराने के लिए जो भी हमें काम करना पड़ेगा उस कार्य को ही हम क्या कहेंगे? वैद्युत ऊर्जा कहेंगे या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। अब हम बच्चों, फ्लो ऑफ करंट से पहले दो चीजें और आती हैं, उनको समझते हैं। एक है कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर। कंडक्टर माने, अब बोर्ड आपका इरेज हो चुका है, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? वैद्युत। इलेक्ट्रिकल माने वैद्युत, एनर्जी माने ऊर्जा। वैद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए किए गए कार्य को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। वैद्युत परिपथ का मतलब है इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम करंट को प्रवाहित करना चाहें, करंट को फ्लो करवाना चाहें, करंट फ्लो कराने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा उसको ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। माना कोई सर्किट है, सपोज ये कोई सर्किट है, इसमें आपका बत्ती लगी है, आप है ना, अभी जैसे ऐसे ही समझो, हल्का फुल्का लगी है, इसमें हम करंट को फ्लो करना चाहते हैं, करंट को फ्लो कराने के लिए जो भी हमें काम करना पड़ेगा उस कार्य को ही हम क्या कहेंगे? वैद्युत ऊर्जा कहेंगे या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। अब हम बच्चों, फ्लो ऑफ करंट से पहले दो चीजें और आती हैं, उनको समझते हैं। एक है कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर। कंडक्टर माने सुचालक। कंडक्टर को हम सुचालक कहते हैं, सुचालक। और इंसुलेटर माने कुचालक, कुचालक। शब्द से ही पता लग रहा है, चालक ले जाने वाला, कुचालक सुचालक ले जाने वाला, कुचालक नहीं ले जाने वाला। कंडक्टर आर दोस सबस्टांसेस विच कैन फ्लो करंट इजीली, विच कैन फ्लो चार्ज इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर, लाइक कॉपर, लाइक एल्यूमिनियम, लाइक कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, सिल्वर वायर, ना, दीज आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
अ सबस्टेंस विच कैन फ्लो द चार्ज इजिली इज कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अनदर थिंग इज इंसुलेटर. इंसुलेटर आर दो सबस्टेंस विच इनहिबिट द फ्लो ऑफ चार्ज. अ सबस्टेंस विच कैन नॉट फ्लो द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो द चार्ज इज कॉल्ड इंसुलेटर. लाइक रबर, लाइक प्लास्टिक, लाइक पेपर, दीज आर द इंसुलेटर. नाउ नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फ्लो द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो द चार्ज इज कॉल्ड इंसुलेटर. लाइक रबर, लाइक प्लास्टिक, लाइक पेपर, दीज आर द इंसुलेटर. नाउ नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेनली टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. सेकेंड इज करेंट इलेक्ट्रिसिटी. CURRENT करेंट इलेक्ट्रिसिटी. करेंट इलेक्ट्रिसिटी ELECTRICITY करेंट इलेक्ट्रिसिटी. करेंट इलेक्ट्रिसिटी आपके कोर्स में है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपके कोर्स में नहीं है. और मेनली टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. सेकंड इज करेंट इलेक्ट्रिसिटी. CURRENT करेंट इलेक्ट्रिसिटी. करेंट इलेक्ट्रिसिटी ELECTRICITY करेंट इलेक्ट्रिसिटी. करेंट इलेक्ट्रिसिटी आपके कोर्स में है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपके कोर्स में नहीं है. और डेफिनेशन क्या है स्टैटिक. स्टैटिक मीन्स STATIC स्टैटिक. ELECTRICITY स्टैटिक ऐसी विद्युत ऊर्जा जिसमें फ्लो. ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स दीज टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन कमिंग वीडियो. थैंक यू.